गाइस आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं प्रकाश चंद्र भील। दोस्तों आप सभी का हमारे प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने मित्रों को एवं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हमारे पूर्वजों की शहीदी को जय आदिवासी नमन करने के लिए जय भील प्रदेश यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों ने सुबह से करीब 12 बजे से अभी तक कई वक्ताओं को सुना, उन्होंने अच्छी जानकारी दिया। मेरे भाइयों मैं जब तक बोलूं तब तक आप लोग शांति प्रिय तरीके से बैठिए। आप लोगों ने बहुत बड़े वक्ताओं को आज तक कभी सुना नहीं होगा, इतना सुना है बेशक आपके दिमाग पर वजन पड़ा होगा मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप खड़े रहेंगे तो मैं बोलने वाला नहीं हूं, बैठना पड़ेगा। थोड़ा खिसक जाओ बोले, थोड़ा खिसक जाओ और बैठ जाओ भाई, आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाइयों। पीछे जो आदिवासी का खून होगा वो बैठ जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा। बैठिए भाइयों, बैठ जाओ बेटा। ये बच्चियां थोड़ी बच्चियां, बेटा उठ जाओ, आप लोग पानी पिलाओ सभी को, उठो बेटा, आप लोग भी मेरी बेटियां हो, खड़ी हो जाइए, पानी पिलाओ सबको, उठो बेटा। आज हमारी जाजम पर हमारा समाज बैठा है, उसकी हर संभव हमें सेवा करनी है। बच्चे भी सेवा कर सकते हैं, हमारे इलाके में बेटियां बेटे सब पानी पिलाते हैं और किसी को इधर उधर घूमने नहीं देते हैं। आप सबकी सेल्फ जिम्मेदारी है, बैठिए। इस तरीके का कार्यक्रम बहुत समय बाद आपको मिलेगा। भाइयों आपने बहुत सारी बातें सुनी, यहाँ के पंच पटेल और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, उसके लिए पूरे भील प्रदेश का आदिवासी आपको बहुत शुक्रिया अदा करता है। मेरे भाइयों यहाँ पर मुख्यतः भील और ग्रासिया के बारे में बात हुई, लेकिन मेरे जानकारी में आया है कि जालौर और सिरोही में बहुत सारी मीणा कम्युनिटी रहती है, ये सही है कि गलत है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीणा लोग तो मछली से पैदा हुए हैं, आप किससे पैदा हुए हो? इंसान इंसान से पैदा हो सकता है, मछली से पैदा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। तो हम मां बाप से पैदा हुए हैं कि मछली से पैदा हुए हैं? तो आप मीणा नहीं हैं। वैसे भी हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है, राजस्थान में मीणा आदिवासी नहीं है, तो आप कहां से आए? ये मैं कहना चाहता हूं। अब उधर देख लीजिए, अजमेर, अजमेर में क्या शब्द है? मेर। बाड़मेर क्या शब्द है? मेर। जैसलमेर क्या शब्द है? मेर। 1880 के आसपास मेवाड़ रियासत का दरबारी कवि श्यामल दास ने लिखा कि मेवाड़ रियासत की आधी से ज्यादा जनता भील, मीना और मेर है जो लड़ाकू कौम है। भील, मीना, मेर जो लड़ाकू कौम है, तो ये मेर आदिवासी कहां गए? कहां गए? जिस तरीके से हमारे इलाके में भीलों को मीणा बनाया,
उस तरीके से मेरे को लगता है कि ये अजमेर से इस पट्टी में जो मेर आदिवासी थे उनको भी मीणा बनाया गया, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग इसका पता लगाइए, क्या ये बात सही है या गलत है। यदि आपको सही लगती है तो आपको पुनर्मंथन करने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। अभी अभी देखा आपने सेई नदी और साबरमती नदी का पानी मारवाड़ में ले जाने के लिए सरकार डैम बना रही है और 20-22 गांवों का स्थापन करने की बात आई। आप लोगों ने पर्याप्त बातें सुनी। अभी हम लोग बहुत जल्दी कोटड़ा में कार्यक्रम देने वाले हैं, क्या आप लोग आने वाले हो उसमें? जोधपुर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? सिरोही के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? पाली के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? जालौर के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 4 जून को आपको कोटड़ा में पधारना है। 4 जून ये तैयारी करिए आप लोग जो हमारे फलासिया के भाई हैं, कोटड़ा के भाई हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हमारे वरिष्ठ साथी जगदीश भाई आदि जो भाई हैं, आप लोग सभी मिलकर के आज से तैयारी करिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इस विषय पर इससे आगे की बात उस दिन कहेंगे। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना पवित्र जगह है। बेटा समझना, ओ बेटा बालिकाएं, जो लोग मुसलमान हैं उनके लिए मक्का और मदीना पवित्र जगह है, जो लोग ईसाई हैं उनके लिए बेथलम और यरूशलम पवित्र जगह है, जो लोग यहूदी हैं उनके लिए यरूशलम पवित्र जगह है, जो लोग हिंदू हैं उनके लिए मंदिर पवित्र जगह है, तो जो लोग भील हैं उनके लिए पवित्र जगह कहाँ है? कहाँ है? आज की तारीख में मंदिर में वो चोटी वाला बैठता है वो भील है क्या? है क्या? जो आदिवासी भील लोग, मेर लोग, ग्रासिया लोग ईसाई बने हैं वो यीशु मसीह क्या भील है? है क्या? बाइबिल में जो हिब्रू भाषा में बाइबिल लिखी है क्या वो बाइबिल भीली भाषा में है क्या? नहीं है। काय को सीने से लगा के बैठे हो? भीली बोली का, भीली बोली भारत की इंडिजिनस स्पीचेज है। भीली बोली के शब्द अंग्रेजी में नहीं होते, भीली बोली संस्कृत भाषा के शब्द भीली भाषा में नहीं होते, तो रामायण महाभारत आदिवासियों की कैसे हो सकती है? ये काल्पनिक है। अरबी भाषा में कुरान लिखा है। ये जो आदिवासी मुसलमान बने, आदिवासियों का मुस्लिम धर्म कभी नहीं हो सकता, ईसाई धर्म कभी नहीं हो सकता। आदिवासी शब्द ही आदिवासियों का धर्म है। आदिवासी शब्द ही आदिवासियों का धर्म है। क्या आप लोग कौन से धर्म को मानते हो बताइए? आदिवासी ही हमारा धर्म है, ये हमें समझना है। तो आदिवासी हम भील है तो हमारी बोली भीली होगी, ये बात हमें अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। अभी आप लोगों ने यहां पर उद्बोधन सुना, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ये रामचरितमानस है। ये मेरे बाप ने भी नहीं लिखी है, मैंने भी नहीं लिखी है, तो संस्कृत भाषा हमारी है, ये वो चोटी वाले लोगों की है, बरोबर है। यहाँ एंटीना वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई समझते हो, इधर एंटीना होता है इधर वाईफाई होता है, ठीक है ना। वो लोगों ने एक किताब लिखा है, उस किताब के अंदर लिखा है, बताओ ये पेज क्रमांक
चश्मे किम न गया। ये किताब के अंदर लिखा है, दूसरा आदमी भी आके पढ़ सकता है। ये पेज क्रमांक 525, ये पेज क्रमांक 525, इसमें ये श्लोक संख्या 320 का एक, श्लोक संख्या 320 का एक, कोल किरात बिल्लवंचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी, कोल किरात बिल्लवंचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। कोल ये गुजरात में बहुत सारे लोग है, कोली वो कोल आदिवासी है, उधर मुंडा आदि जो आदिवासी है उनको भी कोल कहा जाता है, कोल्हान इलाका हो आदिवासियों का इलाका कोल्हान कहा जाता है। और भिल्ल भील वे बार बार घूम घूम करके जोहार जोहार उद्बोधन बोलते थे। ये तुम्हारा रामचरितमानस बोल रहा है। अभी कोई आपको शक बचाए क्या? 1898 में भीली मुनि का शब्दकोश एक अंग्रेज ने बनाया 1898 में। ये आपका पड़ोसी इलाका साबरकांठा, आज की तारीख में अरवली जिला है, नुसाड़िया सामला जी के पास में, वहां एक अंग्रेज ने बैठ करके भीली बोली का शब्दकोश तैयार किया 1898 में, छप के आया। उसके अंदर लिखा हुआ है भीली बोली में जोहार का अर्थ होता है ए फॉर्म ऑफ द सल्यूटेशन, इसका अर्थ होता है जोहार अभिवादन का भीलों का एक तरीका है। और ये हराम खोर हमको बोलते हैं कि ये जोहार बोलने वाले ईसाईकरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हम लोग, हम आदिवासी परिवार के लोगों ने जो ईसाई बने थे उनको वापस लाए। तुम जनजाति सुरक्षा मंच वाले बता दीजिए एक भी ईसाई को बाहर वापस लाए हो। हम लोग वापस लाए, हम दिखाएंगे इन हरामखोरों को अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। जो लोग आदिवासी का ओरिजिनल बीज है, जो आदिवासी मां बाप से पैदा हुआ है वो आदिवासी को समझेगा, और आदिवासी की संस्कृति बोली भाषा उसके धर्म उसके हक अधिकार की बात करेगा। जो बगड़े लोग बिस्वारो आप जो है खाटले अगले बिस्वारो है ये समाज में कार्यवाद नहीं करेगा। खाटले अगले लोग बिस्वारो हो क्या भाई पतवा है? हमारे बाप दादा ने में हमारे इलाका में एक रिवाज है, यदि सोरा ने बाप ने पतु है पर आपड़े खाटले जलम थई गयो ई सोरो आपड़ो आपजो मसले ने अपने अपने सोरा ने बापा नो बाप कौन है ई पतो ने है पर सोरा नो जलम आपड़े खाटले था जो अटले मारो। ये हमारे बाप दादा ने पहले रिवाज तो तक घना खरा बीजवारा बीजे हाँ अभी क्या है ये बीजवारा समाज ने बर्बाद कर रहे चाहे ये वाड़े बीजवारा ने बाहर करवाए। इसके लिए मेरे भाइयों भीली बोली का शब्द कोश तैयार करना है, भीली बोली में हमको पढ़ाई करना है और आदिवासी धर्म को हमें आगे बढ़ाना है जिस तरीके से गराशिया जी ने बोला था। आज के बाद हमारे घर में सूर्य चंद्रमा और तारे वाले हरे झंडे लाल झंडे और सफेद झंडे हमारे घर में होंगे, इसके अलावा भगवे नहीं होंगे। ये हमको करना होगा। यदि आप ओरिजिनल भीलों की संतान है मारवार के लोग तो ये बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। हमारे इलाके में आज बांसवाड़ा देख लीजिए, डूंगरपुर देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, प्रतापगढ़ देख लीजिए, डंके की चोट भील कह रहे हैं हम आदिवासी धर्म है हमारा, ये डंके की चोट बोल रहे हैं। आपको भी करना होगा। मेरी बेटियों मेरी बहनों आप लोग
व्रत उपवास करते होंगे, मंदिरों में जाते होंगे, दान चढ़ावा चढ़ाते होंगे। एक साल के अंदर यदि एक महिला 100 रुपया मंदिर में दान करती है, उसी 100 रुपये से अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को शिक्षित करिए, अपनी बेटियों को अच्छा खाना दिलाइए, अच्छे कपड़े दीजिए। क्या ये करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए? मैं भी फील हूँ, मैं भी तुम्हारा खून का हूँ। मेरी बेटी अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, आपकी ये बेटी अभी डॉक्टर बन सकती है। इनमें वही काबिलियत है, यह हमको करना होगा। तो बात चली थी आदिवासियों का पवित्र इलाका कौन सा है, बताऊं कि रहने दूं? थोड़ा घरों पर उतारे मजा के हो, बुरा मत मानना। पानी ऐसा थोड़ा सा कह दिया था राजेश के कांति भाई कह दे ठीक रे, समय ने के बोला है। याद रखिए, ध्यान से समझिए इस बात को, ये बात समझ गए सब समझ में आएगा। 2015 में पेपर में छप के आया, 2015 में क्या छप के आया कि 70 करोड़ साल पहले तब इंसान पैदा नहीं हुआ था। 70 करोड़ साल पहले मनक ने अतोड़ी जगह माते, उस जमाने में सिरोही के पास की पहाड़ियां अफ्रीका के मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी। ये बाड़मेर जैसलमेर का जो रेगिस्तान है वहां समंदर था, हिमालय पर्वत नहीं था। उस समय हिमालय पर्वत नहीं था तो गंगा नदी नहीं थी, सतलज नदी नहीं थी, सिंधु नदी नहीं थी, जमुना नदी नहीं थी, ब्रह्मपुत्र नदी जिसको सांगपो कहते हैं वो भी नहीं थी। उस जमाने में 70 करोड़ साल पहले सिरोही के पास की पहाड़ियां अफ्रीका और मेडागास्कर से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब है अरब सागर भी नहीं था, जुड़ी हुई थी। अब आज दुनिया के अंदर साबित हो गया है, वैज्ञानिकों ने पुरातत्वविदों ने साबित कर दिया है कि सबसे पहले इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ। 37 लाख साल पहले लूसी नाम की महिला का खोपड़ी मिला है, वो सबसे पहला इंसान था, ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। मैंने कब बताया, 70 करोड़ वर्ष पहले। और ये महिला की खोपड़ी कब मिल रही है, 37 लाख साल पहले। इसके आधार पर कह रहे कि अफ्रीका में इंसान पैदा हुआ, फिर मध्य एशिया में नील नदी के इलाके में आपका इजराइल, मध्य एशिया होते हुए इंसान भारत में आया। और वो ही लोग कहते हैं कि 65 से 70 हजार साल पहले भारत में लोग आए हैं, अर्थात आदिवासी भी, ये जो भील है वो भी बाहर से आया है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। अब मेरा तर्क सुनिए, जर्मनी के वैज्ञानिक, सिरोही महाविद्यालय के साइंटिस्ट, जयपुर विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट और बहुत सारे शोधकर्ता थे दूसरे देशों के, सब ने मिलकर के 2015 में सिद्ध किया कि अरावली पर्वतमाला और आपका अफ्रीका दोनों जुड़े हुए थे। और आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि इस धरती पर सबसे पहले कोई ठंडा होने वाला इलाका है तो अरावली पर्वतमाला है, तो सबसे पहले कोई पेड़ पैदा हुआ होगा तो अरावली में पैदा हुआ होगा, कोई जानवर पैदा हुआ होगा अरावली में पैदा हुआ होगा, तो जो जीव अफ्रीका में थे वो अरावली में होंगे या नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? यदि वो ही जीव जब अलग हुआ और अरावली के इलाके में वो ही जीव यहाँ रह गए थे तो उन्हीं जीवों से पहला इंसान कौन बना होगा? उन्हीं जीवों से
अफ्रीका में जिन जीवों से इंसान पैदा हुआ, अरावली के अंदर उन्हीं जीवों से पहला इंसान कौन पैदा हुआ होगा? मारवाड़ में एक कहावत है, वो कहावत है बॉम धनी बिल नाम से, वो देवीलाल जी ने किताब लिखी, गढ़ मेरू हो गढ़ो गुड़क्यो हो या टुकड़ा तीन है ना, क्या नाम है एक तो दिमाग से निकल रहा है, लेकिन तीजो भौम धनी बिल ऐसा शब्द है वो उन्होंने लिखा, आप पढ़ लेना वो आपके इलाके का मामला। तीजो भौम धनी बिल, भौम धनी का मतलब क्या हुआ? ये भूमि का मालिक धनी, ये मैंने नहीं लिखा है, ये तुम्हारे जोधपुर के हैं देवीलाल जी बिल, उन्होंने लिखा भौम धनी बिल। तो यहाँ इस धनी का इस इलाके में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? हम पैदा हुए। कैसे ये बताता हूं, खेड़ ब्रह्मा कितना दूर है यहां से? कितना दूर है? 60-70 किलोमीटर इस इलाके से, याद रखना। और वो डैम बन रहे वहां से कितना दूर है? 40 किलोमीटर। ये सांडवारिया और बुजा वाला डैम बन रहे 40 किलोमीटर। वहां खेड़ ब्रह्मा में एक डॉक्टर था जिसने 1964 के आधार आसपास में रिसर्च करके पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त किए। क्या प्रमाण प्राप्त किए? कि इस इलाके में जो ग्रासिया डुंगरी ग्रासिया है, उनके पूर्वज 100 साल पहले 50 साल पहले जिस तरीके के औजार इस्तेमाल करते थे, ऐसे औजार 70,000 साल पहले के 1,000 औजार मिले हैं। अभी अभी 100 साल पहले डुंगरी ग्रासिया भील लोग जिन औजारों का, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, वो 1,000 औजार 70,000 साल पहले के मिले हैं। वो अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी में आज भी रखे हुए हैं। तो वो किसके थे? वो बाप किला था, ये समझने की जरूरत है। और तो और 125 मकान मिले, 125 मकान। उन मकानों की बनावट आज भी भील आदिवासी जिस तरीके से बनाता है, उसी तरीके से मकान बनाने की परंपरा है। आपने मकान ने बनावा तो बाढ़ने एक पटाल रहे, पटाल नहीं हो कहीं आए जिसमें मेहमान आके बैठते, वो पटाल बनाने की परंपरा उसके अंदर मिली है जो आज भी भील आदिवासी इस्तेमाल करता है 70,000 साल पहले। सौकड़ तो वो हरामखोर कह रहे हैं कि 70,000 से 65,000 साल पहले इंसान यहाँ आया और यहाँ पुरातात्विक प्रमाण मिल गए। साबरमती नदी के इलाके में ये बात मिली है, साबरमती नदी के इलाके में। तो 70,000 साल पहले साबरमती नदी के इलाके में वो पूर्वज थे, उनकी आज की तारीख में संतान वंशज कौन है? हम भील आदिवासी है। बोलिए कौन है भारत देश के अंदर 70,000 साल पहले से रहने वाला? वो केवल और केवल आदिवासी है, इसलिए हमको आदिवासी कहा गया है। और यही बात मैं जो कह रहा हूँ वो 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी कह दिया है, वो पढ़ लेना, पढ़ लेना। ये आपके बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिएगा। आपके बच्चे 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनमें एक पार्ट है ये न जाने मास्टर पढ़ते कि नहीं पढ़ते, मेरे को नहीं पता। इसमें लिखा है आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, वो जनजाति सुरक्षा मंच वालों को कहो, अरे मूर्खों इसको पढ़ तो लो, जरा पढ़ तो लो। क्या लिखा है? आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं, उनके धर्म इस्लाम, इस्लाम यानी मुसलमान, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है।
इस्लाम, ईसाई, हिंदू इनसे बिल्कुल अलग है। तो जो लोग ईसाई बन गए हैं वापस आओ, जो लोग हिंदू बन गए हैं वापस आओ, जो लोग मुसलमान बन गए हैं वापस आओ, और तमे पास आवी गया तो जटल मंदिर तमारा स्थावन है पसे आना में आपने बाप दादे ना मूर्ति जी आपने लगावंगा। कई कई मूर्ति ये क्या नाम था हुसिया जी बिल की 8-10 एक बे जिलम लगा भी दंगा, एक आदि हमारे डूंगर पैर में लगा भी दह, एक आदि वासवाड़ा में, और इनकी हम पूजा करेंगे। क्यों? इन्होंने हमें दिया है। और देवता क्या करता है? लेता है। देवता नहीं लेवता है, समझ में आया? वो केवल लेता है। इन्होंने तो दिया है, हमको दिया है, ये बात समझने की जरूरत है। आगे लिखा है वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। एक गंभीर बात लिखी है, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, औरों से बिल्कुल अलग, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच नहीं होता। इसी वजह से यह समुदाय जाति वर्ण और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। आप लोग भील जाति बोलते हो, ये गलत बोल रहे हो। ये कह रहा है कि आदिवासी जाति नहीं होता, वर्ण अटले ओसने बामण ओसो, अणाने से हरदार, अणाने से वाणियो, अणाने से ओबीसी, अणाने से एससी, ने हेतने से आदिवासी, ये बात नहीं होती है। हमने बाड़मेर में गए थे तो हमारा कार्यक्रम था, तो हमारे भाइयों ने हमको बताया कि भील आदिवासियों की गाय का दूध, भैंस का दूध गैर आदिवासी लोग लेते नहीं है। इतनी बड़ी गंभीर स्थिति हम आदिवासियों की बना रखी है और हम लोग हैं उनके दल में चाट रहे। अभी चालौर में हमारे एक भाई को पीटा था इन लोगों ने, यह तक नहीं किया था। यदि हम लोग भील लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, चालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के भील इकट्ठा हो गए तो राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। और हम लोग उनके आगे हाथ फैला रहे, गिड़गिड़ा रहे कि हमारे साथ न्याय करो। न्याय लेने लायक बनना पड़ेगा, कोई थाली में सजा करके न्याय देने वाला नहीं है। हक अधिकार कोई थाली में सजा करके देने वाला नहीं है, हक अधिकार हमें खुद लड़ करके लेना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके लिया। अब बताइए, मैंने बताया था वो सवाल, अभी एक ही सवाल है, कौन सा इलाका पवित्र है बिलों का, अभी वही सवाल चल रहा है। अब मैंने बताया 70,000 साल पहले पुरातत्वविद डॉक्टर भगवान लाल पटेल ने 125 मकान ढूंढे और 1,000 पत्थर के औजार ढूंढे, वो साबरमती नदी के इलाके में है, और उसी साबरमती नदी के इलाके के अंदर दो बड़े डैम बन रहे हैं, तो वो इलाका पानी में रहेगा कि पानी के बाहर रहेगा, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने कड़ाना डैम बना करके बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को कड़ाना डैम में डुबा दिया। उसी तरीके से सरदार सरोवर बना करके नर्मदा नदी के इलाके में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को डुबा दिया। उकाई डैम बना करके ताप्ती नदी के इलाके में बहुत सारे पुरातात्विक अवशेषों को डुबा दिया। तो ये भील आदिवासियों के लिए सबसे कीमती जगह साबरमती नदी का ये जो आपका कोटड़ा, पोसीना और खेड़ ब्रह्मा का इलाका है, वो सबसे पवित्र जगह है, उसको डुबाने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है।
आपका सबसे पवित्र जगह कौन सा है? जहां पर है खेड़ ब्रह्मा है और आपका ये इलाका है, ये बारावली का इलाका है, वो सबसे ज्यादा आदिवासियों का, बिल आदिवासियों का, पूरे देश के बिल आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम और सबसे पवित्र जगह है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमें लेनी है। यहां से निकल करके हमारे पूर्वज नदी के सहारे सहारे गए होंगे और आगे जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का नगर लोथल बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर सुरकोटड़ा बसाया होगा, सिंधु घाटी का नगर रंगपुर बसाया होगा, सिंधु घाटी का धोलावीगरा नगर बसाया होगा। ये क्योंकि यहां से ही नदियां निकली, अब वो ही वहां से लोग विस्थापित हुए तो वो वापस हमारे इलाके में आए और उन्हीं के वंशज आज हम हैं। वहां से आने वाले लोग जब उस इलाके के अंदर बाहर से जो विदेशी लोग आए उनका कब्जा हो गया तो उन्हीं पूर्वजों ने सबसे पहले आकर के आबूगढ़ पर सबसे पहला हमारा राज कायम किया था। आप इतिहास पढ़ लेना, मारवाड़ के अंदर 9 राज्य थे आदिवासियों के, 9 मारवाड़ में और 9 आदिवासियों के राज्य थे। उन राज्यों को सबसे पहले नागवंशी लोगों ने जीता। ध्यान रखिए, भील आदिवासियों के 9 राज्य थे मारवाड़ में, उनको नागवंशी लोगों ने जीता उस समय, ये पकड़ना, और नागवंशी लोगों को राजपूतों ने जीता, गुर्जर प्रतिहार चौहान इन लोगों ने। और इसके बाद में आपका चावड़ा चालुक्य इन लोगों का राज आता है और अंत में राठौड़ों का राज आता है। खेड़ ब्रह्मा ईडर में राठौड़ लोगों का राज हुआ, पाली के अंदर राठौड़ों का राज हुआ, जोधपुर में राठौड़ों का राज हुआ और पिछले दिनों हम बिनमाल आए थे जसवंतपुरा में, लोहियागढ़ के क्या नाम है, वहां पर भी बिल आदिवासियों का राज था, उसको भी राठौड़ ने जीता था। ये बात सिद्ध होती है तो आबूगढ़ हमारे पूर्वजों का सबसे पहला राज था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस मारवाड़ के सभी आदिवासियों को कहना चाहते हैं कि आबूगढ़ पर, आबू पर्वत पर जिन भी आदिवासियों को ये घर बनाने नहीं दिया जा रहा है उनके लिए भी हम लोग एक बहुत बड़ा जन जागरण पूरे इलाके में फैला करके कोटड़ा के बाद हो सकता है आबूगढ़ भी जाएंगे हम लोग, पूरे देश का बिल आदिवासी बुलाएंगे हम लोग। और आज हम लोग बिल प्रदेश का वहां झंडा भी गाड़ करके आए हैं। आबूगढ़ सबसे पहला हमारा राज था, इसलिए इन इतिहासकारों ने लिखा, क्या लिखा, अग्नि संस्कार करके उसको 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 राजपूत बनाया। कह रहे हैं अग्नि संस्कार करके कब किया कोई पता नहीं। ये लिलुड़ी बडली में इतनी बड़ी घटना 1922 में हो गई, ये तुम्हारा रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा, एक लाइन नहीं लिखा, लिखा क्या, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, ये रोहिड़ा का, ये थाना इधर रोहिड़ा ही लगता शायद है, ये रोहिड़ा का डॉक्टर ओझा जिसने पूरे राजस्थान के रजवाड़ों का इतिहास लिखा, हमारे डूंगरपुर का भी इतिहास लिखा, बांसवाड़ा का भी लिखा, प्रतापगढ़ का भी लिखा, उदयपुर का भी लिखा, उसने लीलूड़ी बडली भूला के इतने बड़े हत्याकांड की एक लाइन लिखी, तो कितना निष्पक्ष था इतिहास का, इतिहास चोर था, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। अपने घर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में एक लाइन नहीं लिखा तो कितना
कितने हमारे इतिहास की चोरी हुई। और ये तुम्हारे कोटड़ा के अंदर लोग कह रहे हैं कि महान राणा पूजा भील हमारा पूर्वज है। अरे भाई, हम तो पहले ही कह रहे तुम हमारे ही बच्चे हो, क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? अभी बेचारी एक महिला ने किताब लिखी, कुसुम मेघवाल का नाम सुना है? उसके लिए बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ। और ये गारंटी है, इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर करीब 30% राजपूत भील वंश से ही संस्कारित है, गुजरात में भी इतना है। और इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, भील कार्य हरों ने छोड़ा है, दारू छोड़ा छोड़ा सुड़ावीन थागी गया, पर भील हरो सुड़वा बदले तैयार नहीं है। और यही लक्षण राजपूतों में, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मंथन करिएगा, सारे नहीं कह रहा हूं, 20-30% की बात कर रहा हूं। आप लोग व्यापार करने कर सकते हो? आप में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल आज की तारीख में व्यापारी बन गया, कलाल पटेल लोग आज की तारीख में व्यापारी हो गए, भील आज भी व्यापार नहीं कर पा रहा है। राजपूतों में व्यापार का हुनर है क्या? अरे कलाल नहीं, कलाल कर सकता है, राजपूत व्यापार क्यों नहीं कर सकते? डीएनए में नहीं है। किस किस के डीएनए में नहीं है? समझ गए? इसलिए इतिहास को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जिस दिन 5% राजपूत समाज के लोगों ने यह बात समझ ली, जिस दिन, मैं कह रहा हूं उनको हमारे अंदर शामिल नहीं करना है, लेकिन जिस दिन 5% राजपूत समाज को यह बात समझ में आ गई कि भील समाज के साथ हमारा कोई न कोई रिश्ता है, इतना सा समझ में आ गया, उस दिन हमारा शोषण दमन रुक जाएगा। इसलिए ये बात भी हमें बोलने की आवश्यकता है, भले बुरा लगे। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं, हल्दी घाटी के समय में हमने राजपूत रजवाड़ों को मदद किया था, किया था कि नहीं किया था? अच्छे तरीके समझिए, जो भी पढ़े लिखे भाई है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, सेनापति कौन था अकबर का? अकबर का सेनापति कौन था? हाँ शाबाश बेटा, बताइए, खड़े होकर बोलिए, इधर आके। मानसिंह। रुकिए बेटा, मान सिंह, ध्यान रखिए। वो कहाँ का राजकुमार था बेटा? जयपुर का। अब आप कहते हो कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, एक ही बेटी ने सिद्ध कर दिया कि डूंगरपुर का भीलों का डीएनए और यहाँ के भीलों का डीएनए एक है, एक जैसे बुद्धिमान है। एक बेटी को, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की एक बेटी को पता है कि अकबर का सेनापति मानसिंह था और वो जयपुर का राजकुमार था, ये एक बेटी को पता है, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। अच्छा, महाराणा प्रताप की तरफ से सेनापति कौन था? हकीम खां सूर। वो हिंदू था मुसलमान था? मुसलमान। राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत के सामने लड़ने के लिए कौन आया था? राजपूत आया था। और इधर से कौन कौन लड़ रहे थे? आपका ग्वालियर का हारा हुआ राजा राम सिंह तोवर,
ये अफगान लोग, हकीम खास सूर अफगान था, वो भी हारे हुए लोग थे, वो भी लड़े। मेवाड़ का महाराणा प्रताप थे और भील लोगों ने भी उन लोगों को सहयोग किया, तब जाकर के हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया। और इसके बाद देखिए, राणा प्रताप को पूरे 20 साल तक भीलों ने सुरक्षा दिया। उस टाइम में किस किस ने राणा प्रताप को सहायता की, भील के अलावा किसी का नाम नहीं आ रहा है। 20 साल जिन लोगों की सुरक्षा के लिए हमारे बाप लड़े, 20 साल तक राणा प्रताप की हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा किया। जब हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब ये क्या कर रहे थे बताओ? जब मुगल लोगों ने आक्रमण किया, हमारे पूर्वजों ने उनको सहयोग किया। जब अंग्रेजों से हमारे बाप लड़ रहे थे, बुला बालरिया में, लिलुड़ी पटली में लड़ रहे थे, पाल छतरिया में लड़ रहे थे, मानगढ़ में भी लड़ रहे थे, तब ये चाटुकारिता कर रहे थे अंग्रेजों की। ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। तो देशद्रोही कौन है, देशभक्त कौन है, देश का मालिक कौन है, यह समझने की जरूरत है। और आज जनजाति सुरक्षा मंच के लोग उन्हीं को साथ में लेके घूम रहे हैं और हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। एक बार भंवरलाल परमार के कैडर में तो आ जाओ, तुम्हारा एक सवाल, तुम लोग मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। आ जाओ, मैं ऐलान करता हूं लिदुड़ी पट्टी में, आज जिसको भी बहस करनी है आ जाओ, भंवरलाल परमार एक भील को हरा के दिखा दो। आ जाओ, ये मेरा चैलेंज है, एक भील को हरा के दिखा दीजिए। नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं ओरिजिनल बाप की संतान हूं, ओरिजिनल माँ की संतान हूं, ओरिजिनल भील का डीएनए हूं, ये मैं साबित कर सकता हूं। और एक बात, खड़क आंदोलन हुआ था भाइयों, समझना, खड़क आंदोलन हुआ था 1881 में। उस समय में ये रजवाड़े वाले किसकी तरफ थे, किसकी तरफ थे? खड़क आंदोलन भौमट में दो बड़े आंदोलन हुए, एक लिलुड़ी बटली का, एक पाल चितरिया का, वो भौमट का ही आंदोलन है। उस समय वो लोग किधर थे, इससे साबित होता है कि देशद्रोही कौन है और देश प्रेमी कौन है, राष्ट्रभक्त कौन है, स्वाभिमान कौन कौन है, देश का मालिक कौन है, यह बात साबित होती है। पिंडवाड़ा के कुछ एक गांव अनुसूचित क्षेत्र में आए हैं, तो पूरा पिंडवाड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोग इसके लिए ज्ञापन दोगे कि नहीं दोगे, आंदोलन चलाओगे कि नहीं चलाओगे? अभी आने वाले समय में चुनाव आएंगे तो 100 रुपए का स्टाम्प हर घर के अंदर रखना है। आने जटला पंच पटेल आप जाओ, आ तो सौ करीन मुखिया आप जाओ, बताड़ो तुम्हारे घर में 100 रुपए का स्टाम्प रखोगा कि नहीं रखोगा? आ तो सौ करीन बताओ। शाबाश मेरे भाइयों, मेरे खून के भाइयों, 100 रुपए ने स्टाम्प रखवो है, ने पसे के वो है, जीवी रीति डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर ना आदिवासियों ने अधिकार मिलो है, ये वो अधिकार अपने पिंडवाड़ा ने आदिवासियों ने मिले, ई तमे आलवा बल्ले तैयार हो के नहीं हो? ते पेलो तरत कही देगा, हाँ आलवा बल्ले तैयार हो कहेगा, आलवा बल्ले तैयार हो लो लोको, पेलो विचार कर जाएगा, उबो रही जाएगा, पेलो फिल्म पूछेगा के नहीं पूछेगा? एना जी मालिक है ने, आपड़ा मालिक कौन है? प्रकृति। फिल्म मालिक कौन है? आदमी है, समझ में आदमी? फिल्म ना मालिक आदमी है, इन्हें पूछेगा अरे साइन करो कि नहीं करो? फिल्म ना कही देगा, साइन नहीं करेगा, जो साइन नहीं करे
पिंडवाड़ा तहसील पूरी पूरी सिटूल एरिया होना चाहिए और डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर प्रताप करके आदिवासियों को जिस तरीके का अधिकार है पूरे पिंडवाड़ा को मिले उसी आदमी को हमें वोट देना आने वाले समय में। यह कहना चाहता हूं मैं कोई वोट लड़ने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं नेता पैदा करने का हुनर जानता हूं। जना माते पीली जना अंगारा माते भूबेर पड़ी लीवे राग पड़ी लीवे ई मारी फोक थकी भूबेर जागी जाए ने एक फरो बिल जागी गयो तब पसे सीतरा भागी नहीं भी है मने पतो है मन कनी तो औकात हूं है। और ये हम लोगों ने सिद्ध करके दिखा दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये लिलुड़ी बटली की घटना क्यों हुई तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हमारे पूर्वज जो भी अनाज पैदा करते हैं, अपने मक्का करते कि नहीं करता करते इधर, हाँ, तो मक्का का जो भुट्टा होता है वो दाना बनता है और सेक के खाने लायक होता है। तब जितने साल भर में इंसान मर गए हेता भर में जटल मनक मरी क्या अन्य हमारे द्रोह करे वो अनाज डांगरे ये दूध घी ये इकट्ठा करके सारे हवन करते तो किसको भोग चढ़ाते हैं अपने पूर्वजों को। इसके बाद में गाम खेड़ा नी मताई वे गाम खेड़ा नो देव वे इन्हें पोकड़ा चढ़ावे किने खबड़ावे वो प्रकृति को चढ़ाते हैं। एक तो पूर्वजों को चढ़ाया फिर प्रकृति को चढ़ाया। इसके बाद अपने घर के अंदर जो बेल होते हैं बड़द ओड़ाकवा वाला इनको खिलाते हैं क्योंकि वो किसान की हेल्प करता है। इसके बाद बच्चे खा सकते हैं। तो खाने से पहले किसको चढ़ाया पूर्वजों को चढ़ाया। क्या चढ़ाया भोग चढ़ाया। फिर दूसरा भोग किसको चढ़ाया प्रकृति को भोग चढ़ाया। इसके बाद किसको खिलाया बेलों को खिलाया। गौ माता पता है गौ पिता पता नहीं है, है ना। हम गौ माता को पहले खिलाते हैं गौ पिता को बराबर उसको खिलाते हैं इसके बाद बच्चे खा सकते हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा कि अखातीज ने अपने अलेत्रोम कही अलेत्रोम हल जोतते ये बार बारिश थे अबार अबार नहीं है फिर भी हल जोतेंगे अनाज वावेंगे ये अपने इलाके में करते हैं। और दूसरे बहुत सारे आदिवासी लोग हैं वो केरी मैंगो अपने इधर आम होते हैं ना केरी जब तक अखातीज नहीं निकले तब तक केरी नहीं खाते। यदि ऊपर से गिर गया है आम ऊपर से गिर गया है तो खाएंगे तोड़ के नहीं खाएंगे। क्यों ये बहुत रहस्यपूर्ण बात है। आदिवासी भील आदिवासियों का सभी आदिवासियों का मान्यता है जब तक आम के अंदर जाड़ा नहीं बने जाड़ा अटले गोटली जब तक गोटली नहीं बने अटली बार केरी नहीं खावानी। तो आदिवासी केरी खादा पहलो अपने बाप दादा ने पूजा करे अपने इलाके में खत्म हो गया लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी जिंदा ये बात वो वहां पर नदी में या नाले में जहां पानी बहता हुआ पानी है वहां जा करके वो केरी का भोग चढ़ाते हैं पूर्वजों को चढ़ाते हैं प्रकृति को चढ़ाते हैं इसके बाद केरी खाते हैं। दो उदाहरण बताए मैंने किसके एक तो मक्का के भुट्टे का और केरी का। पहले पूर्वज को चढ़ाएंगे फिर प्रकृति को चढ़ाएंगे फिर खाएंगे। आपड़े घर में बोकड़ा कुकड़ा थे नहीं थे तेरण का भोग चढ़ावत नहीं चढ़ावा चढ़ावी साटा नहीं आवे तो करे लीलवण करे लीलवण एवं साटा अवतम लीलवण करे नहीं आवे तो इसका भी एक विधान है। ये कोई बलि नहीं है
हमारे घर के अंदर जो भी पैदा होता है सबसे पहले हम पूर्वजों को चढ़ाएंगे, प्रकृति को चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे। और भोग चढ़ाने के बाद, बकरे का भोग चढ़ाने के बाद गांव में जितने मकान हैं, उन मकानों का पूरा हिस्सा निकलता है, भले वो खाए या नहीं खाए। मेरा घर भगत है, इसके बावजूद मेरे गांव के बाहर, अरे मेरे बाड़े के बाहर एक मताई है, वहां पर लीलवण होता है तो मेरे घर भी भाग आता है, मेरे घर भी भाग आता है। पैसा मेरे को देना होता, हम नहीं खाते तो भी, जो खाता उसको दे देते, भाग आता। और आदिवासियों में जितने भी पूजा विधान होते हैं, आदिवासियों के जितने सांस्कृतिक मांगलिक आयोजन होते हैं, वो सारे सारे खाकरा की पत्ती पर होते हैं, खाकरा की पत्ती पर। ये बात हमें समझनी होगी। तो मैं बता रहा था कि आदिवासी किसको भोग लगाता है? पूर्वजों को, प्रकृति को। और हमारे घर के अंदर देखा है, अनाज पक जाता है तो सबसे पहले हमारे बाप दादे मांगण जात बल्ले अलग अनाज काटता। जी मांगवा वालो आवे अना मैं हो साल वाले। कोई जरूरतमंद इंसान आता तो उसको भी मुफ्त देते थे। कोई बीज लेने के लिए आता उसको भी मुफ्त देते थे। पर जो मजदूरी नहीं करता है, हमारे सामने आंख उठाता है, हमारे सामने गलत बोलता है, हमको भला बुरा कहता है, उसको कभी नहीं देते थे। सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? तो ये लगान थी वो सही थी कि गलत थी? जो लगान लेने वाले लोग थे, जो भोग लेने वाले लोग थे, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, ना हमारे लोग थे। वो कोने पे लग रहा है उसमें, आए समझ में? हमारे पूर्वज भी नहीं थे, हमारे समाज के भी लोग नहीं थे, इसलिए हमारे लोग देना नहीं चाहते थे। और वो प्रकृति के विरुद्ध था, इसलिए लेना नहीं चाहते थे। और फिर वो अनाज हमने उगाया, हमने पैदा किया, हमने चारा निकाला, सारी मेहनत हमने किया, इसलिए हमारे पूर्वज नहीं देना चाहते थे। इस बात की लड़ाई थी। ये बात समझनी होगी, भूला बालोरिया में लड़ाई क्यों हुई, इसका यही उत्तर है। इसको अच्छे तरीके समझने की जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, हमारे मांगीलाल भाई अभी शेष है। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस इलाके के अंदर आप जो भी सामाजिक जनजागरण करेंगे, हमें किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल ये जो अपन बोल रहे हैं वो जानकारी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जैसे जैसे जानकारी पहुंचेगी, भील 1% से ज्यादा गुलाम नहीं है। कितना? भील 1% से ज्यादा गुलाम नहीं है। जिस भील को चुप गया अंदर से, यहां चुप गया, वो तत्काल आजाद होने के लिए प्रयास करेगा, तत्काल। और आजकल मैं जो भी बोलता हूं, बहुत सारे वाईफाई वाले लोगों को तकलीफ हो जाती है और तुरंत ठीक हो जाते हैं, तत्काल। और इसलिए आपको इतनी तगड़ी स्पीच सुनने के वो मिली, तो आप लोग इसी तरीके का प्रयास आगे भी जारी रखेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, अपनी बहन बेटियों को अच्छा पढ़ाएंगे, हक अधिकार की लड़ाई, संस्कृति की लड़ाई, धर्म की लड़ाई, सबको आगे बढ़ाएंगे, जमीन की लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है। हाथ ऊंचा करके, दोनों हाथ, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने मुझे आराम से सुना और शांति प्रिय बैठे रहे, उसके लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।